हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेशंस में हमने लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस किया था। बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, सॉल्यूशंस निकालने सीखे थे, कुछ रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स भी देखे थे कि उसे लीनियर इक्वेशंस में कैसे चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जो सॉल्यूशंस आपने निकालना सीखा था उसकी हेल्प से किसी भी लीनियर इक्वेशंस को एज अ वन वेरिएबल ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और एज अ टू वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा y=3। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशंस को आपको एज अ वन वेरिएबल भी रिप्रेजेंट करना है, एज अ टू वेरिएबल भी रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, जब कभी भी आपको वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो एक बात का ध्यान रखना, हमेशा हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी लीनियर इक्वेशंस को वन वेरिएबल पे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जब ऐसा टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो हम जो कार्टेशियन प्लेन होता है, जो एक्स वाई प्लेन होता है, उस प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो देखिए y=3 को अगर आप एज अ वन वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे, एज अ वन वेरिएबल, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, y=3 इट मींस ये जो 3 पॉइंट है वो आपका इस लाइन पे कहां पे लाई करेगा, ये ना, तो ये जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा y=3 को, ये पॉइंट सिंपली, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, दूसरी बात, जब आप इस इक्वेशन को एज अ टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, एज अ टू वेरिएबल अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन से y=3, इस y=3 को हम टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए, -3 को अगर आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, -3=0। ओके, और आपको एक बात मालूम है कि जो लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax + by + c = 0। ओके स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस सेशन में एक और बात बताई गई थी कि अगर x वाला टर्म नहीं है तो उसके प्लेस पे आप 0x ले सकते हो, अगर y वाला टर्म नहीं है तो उसके प्लेस पे 0y ले सकते हो, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो उसके प्लेस पे 0 ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है तो हम 0x ले सकते हैं, 0x + y और -3=0। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस की सॉल्यूशन निकालेंगे। सपोज अगर आप x के प्लेस पे 1 लेते हो, x के प्लेस पे अगर आप 1 लोगे तो 0 × 1 क्या हो जाएगा, 0, और +y = -3 को इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 3, तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी। सपोज x = 2 लेते हो, x = 2 लेते हो तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0, और +y = 3 तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो कहने का मतलब x की किसी भी वैल्यूज के लिए जो y की वैल्यू वो हमेशा क्या आने वाली है, 3 आने वाली है। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एनी ऑफ दी नंबर, अगर आप कोई भी नंबर पुट अप करोगे x के प्लेस पे यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ 3 ओनली। ओके तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर सॉल्यूशन टेबल, दिस इज x एंड दिस इज y। अगर आप x के प्लेस पे 1 पुट करते हो तो भी y की वैल्यू 3 आ रही है, अगर आप x के प्लेस पे 2 पुट करते हो तो भी y की वैल्यू 3 आ रही है। तो देखते हैं हम ग्राफ ड्रॉ करके, x1 और y3, x1 ये पॉइंट है हमारा और y3 ये पॉइंट है हमारा, हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये पॉइंट हमारा फाइनल आ रहा है क्या, 1, 3, और अगर आप x2 लेते हो तो y3, x2 और y3, इट मींस ये पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज 2, 3, और स्टूडेंट्स जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन आएगी, ये लाइन दैट रिप्रेजेंट्स y=3। ओके, तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ध्यान से समझिए, एक बात है आप और याद रखना,
कि अगर आपके पास x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर गिवन हो, x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर गिवन हो, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ से जो लाइन आएगी, जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इस ग्राफ से जो लाइन आएगी विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x इक्वल टू कोई कांस्टेंट गिवन है तो उसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट गिवन है, तो इसका जो ग्राफ होगा, विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो स्टूडेंट्स दो बातें याद रखेंगे, अगर x इक्वल टू कोई कांस्टेंट गिवन होगा तो उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट गिवन होगा तो उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को भी एज अ वन वेरिएबल और एज अ टू वेरिएबल हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू इस प्लस 9 को राइट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 9 अपॉन 2। जब आप डिवाइड दोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 4.5। ओके, अगर आप इसे वन वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, माइनस 4.5 लाइज बिटवीन माइनस 4 एंड माइनस 5। तो माइनस 4 और माइनस 5 के बीच में सपोज ये पॉइंट है, और ये जो पॉइंट होगा दैट रिप्रेजेंट x इक्वल्स टू माइनस 4.5। ओके, अगर वन वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो सिंपली आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अगर आप टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो इस इक्वेशंस को पहले टू वेरिएबल के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो x माइनस 4.5 को लेफ्ट साइड लेके आओ, प्लस 4.5 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स आपको एक बात बताई गई थी कि जो टर्म नहीं होगा उसके कोएफिशिएंट को हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे उसके प्लेस पे, 0y। तो इट बिकम्स x प्लस 0y प्लस 4.5 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन के दो सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से दीजिए, देखिए अगर आप y के प्लेस पर कुछ भी पुट करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, ये वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट इट x प्लस 0y और इक्वल्स ये कितना हो जाएगा, माइनस 4.5। ओके, सपोज आप y के प्लेस पर 1 पुट करते हो तो x प्लस 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू माइनस 4.5। तो भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 4.5 आ जाएगी। ओके, और अगर आप y के प्लेस पे 2 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इक्वल टू माइनस 4.5, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 4.5। स्टूडेंट्स दिस इज योर सॉल्यूशन टेबल। उसके बाद ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, दिस इज योर x एंड दिस इज y। अगर आप y के प्लेस पे 1 पुट करते हो तो x की वैल्यूज कितनी आ रही है आपकी, माइनस 4.5, और अगर आप y के प्लेस पे 2 पुट करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 4.5। एंड दिस इज योर कोऑर्डिनेट x कॉमा y, माइनस 4.5 कॉमा 1 एंड माइनस 4.5 कॉमा 2। स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करो, माइनस 4.5 लाइज बिटवीन माइनस 4 एंड माइनस 5। ओके, माइनस 4.5 कॉमा 1, तो ध्यान से देखिए, अगर आप ये वाला पॉइंट होगा आपका क्या, माइनस 4.5 कॉमा 1, और अगेन माइनस 4.5 कॉमा 2, माइनस 4.5 ये वाला पॉइंट और 2 ये वाला पॉइंट आ रहा आपका, दिस पॉइंट इज अगेन माइनस 4.5 कॉमा 2। और जब आप इस दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये जो लाइन आपकी आ रही है दैट रिप्रेजेंट x 2x प्लस 9
इक्वल टू जीरो, या आप इसे x इक्वल टू माइनस 4.5 भी सिंपली लिख सकते हो। अभी आपको बताया था ना कि अगर x इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट गिवेन हो तो उसका ग्राफ क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है, और जब y इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट गिवेन हो तो उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से आपका फोर्थ चैप्टर फिनिश हुआ। हम नेक्स्ट वीडियोस में ट्रायंगल्स के साथ मिलेंगे, ट्रायंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, वो भी बहुत आसान चैप्टर है। फिलहाल आप फोर्थ चैप्टर के सारे क्वेश्चन को करो, और अगर कोई डाउट्स आता है तो मुझे कमेंट करो, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।